हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं सीमा शिमला के जायके में मैं आ जाई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कच्चा पपीता। तो मैं आज इसकी रेसिपी बनाऊंगी। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी रसोई में। चलो शुरू करते हैं। तो मैंने ये आधा किलो कच्चा पपीता लिया है, तो मैं अब इसकी सब्जी बनाऊंगी। अब मैं इसे बाहर से इसके छिलके निकालूंगी और इसे फिर छोटे छोटे पीस इसके काटूंगी। हमने छील लिए, इसके अंदर से बीज देखिए इस तरह से। इनको हम फेंक देंगे। हमने पपीता काट लिया है, देखिए हमने पपीता काट लिया है। और अगर हमें इसे कुकर में बनाना है तो हम इसके बड़े बड़े पीस बनाएंगे, पर मैंने इसे कढ़ाई में बनाना है तो मैंने इसके छोटे पीस रखे हैं। तो मैंने इसे बनाने के लिए सामग्री ली है। मैंने एक प्याज लिया है और मैंने तीन कलिए लहसुन की ली है और दो हरी मिर्ची ली है। एक छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया। अदरक जरूरी नहीं है क्योंकि पपीता गर्म होता है, तो पर मैंने छोटा सा टुकड़ा पेस्ट के लिए लिया है। मैं इन्हें मिक्सी में पीस दूंगी, इसका पेस्ट बना लूंगी। और एक टमाटर लिया है और मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है आधा चम्मच, और थोड़ी सी मैंने काली मिर्ची ली है, और आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची ली है, आधा चम्मच ही जीरा लिया है, स्वाद अनुसार नमक है, चुटकी भर हम हींग डालेंगे, और आधा चम्मच हल्दी, और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है। तो चलो अब शुरू करते हैं। हम गैस पर कढ़ाई रखते हैं, हम इसे रिफाइंड ऑयल में बनाएंगे। आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। मैं इसे रिफाइंड में बनाऊंगी। एक कड़छी में रिफाइंड ऑयल की डालूंगी। मौसम साफ है आज, कल वर्षा हो रही थी काफी, बरसातों का मौसम शुरू हो चुका है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम जीरा डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। गैस को सिम कर लिया है, अब इसमें पिसा धनिया और काली मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, चुटकी भर हींग डालेंगे, टमाटर को। टमाटर ने तेल छोड़ दिया है, टमाटर पक चुके हैं। अब हम पपीते को डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले में। मसाला अच्छी तरह पपीते में मिक्स कर दिया है, अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे।
मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रखेंगे। गैस को हमने मीडियम ऑन कर रखा है, तो अब हम इसे थोड़ी देर, जब तक ये पके नहीं, हम इसको ढक कर रखेंगे और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे ताकि सब्जी नीचे नहीं लगे। देखिए अब हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसमें हरा धनिया मिलाएंगे। ये देखिए, देखिए गरम है। ये देखो हमारी सब्जी पक चुकी है अच्छी तरह से। अब हम प्लेटिंग करेंगे। ये रही मेरी पपीते की सब्जी, ये तैयार हो चुकी है। मैंने प्लेटिंग कर ली है। कैसी लगी है आपको? आपको पता है पपीता कितना फायदेमंद है हमारे लिए, तो आप भी इसे घर पर जरूर बनाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक धन्यवाद।